नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएसटी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूं आपके साथ पिंकी। आई नजर डालते हैं आज की खबर। खबर चंदौली से है। सहारनपुर और कुशीनगर में अवैध शराब से हुई मौत को देखते हुए पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर अवैध कच्ची शराब निर्माता और माफियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में चंदौली जनपद में भी बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। सीओ सकलडीहा त्रिपुरारी पांडे के नेतृत्व में सकलडीहा तहसील क्षेत्र में एसडीएम और अबकारी की टीम ने जहाँ ईंट भट्टों पर छापेमारी की, वहीं मुगलसराय तहसील क्षेत्र में एसडीएम मुगलसराय, सीओ सदर और अबकारी निरीक्षक मुगलसराय के नेतृत्व में टीम के ने मुगलसराय तहसील क्षेत्र में आधा दर्जन गांव में ईंट भट्टों पर छापेमारी की, लेकिन कहीं कोई अवैध शराब निर्माण नहीं मिला, ना ही कोई शराब बेचते हुए पकड़ा गया। टीम गांव-गांव जाकर लोगों को कच्ची शराब पीने और बेचने को लेकर आगाह किया। साथ ही निर्देशित किया गया कि लोग शराब पिए तो सरकारी दुकानों से ही खरीद कर। लोगों को ये भी समझाया गया कि कहीं भी कच्ची शराब बनती है या बेची जाए तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दें। चंदौली से हमारे संवाददाता सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। ये जो शराब में घटनाएं हुई हैं उसको लेकर के और अदर्स भी हम लोग सतर्क हैं, जिसमें एसडीएम साहब, हम और आबकारी निरीक्षक और हमारे प्रभारी निरीक्षक पूरी टीम के साथ आज संयुक्त रूप से ये कार्रवाई हम लोग चालू किए हैं और ये अतः कार्रवाई ये 15 दिन तक चलती रहेगी। इस तरह का कोई इनपुट यहाँ पे नहीं मिला है, लेकिन जिन लोगों ने पुराने आज से 1-10 साल 5 साल के बीच में भी कभी कहीं की कोई घटना है तो उस घटना का भी हम लोग पूरा डिटेल लेते हुए हर जगह छापेमारी कर रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं ताकि किसी भी जनता के साथ कोई अप्रिय घटना ना होने पाए। शासन से निर्देश प्राप्त हुआ है अवैध शराब के विरुद्ध छापेमारी का, क्या आदेश है और क्या कार्रवाई की जा रही है आपके विभाग द्वारा? आदेश है, जो संदिग्ध स्थल हैं, ढाबे हैं और जहां बनने की संभावना है वहां पर कड़ी निगाह रखी जाए और वहां पर दबिश दिया जाए। क्या रहा लगातार कल से आप लोग छापेमारी कर रहे हैं, क्या अभी तक? रात से ही दबिश दे रहे हैं, अभी तक करीब 8-10 ईंट भट्टों को दबिश दी गई और 2-3 गाँव में दबिश दी गई, कहीं भी अभी बरामदगी नहीं हुई। क्या लग रहा है कि विभाग द्वारा पहले से कार्रवाई की गई थी तब ऐसा नतीजा आ रहा है? नहीं, कार्रवाई लगातार कब से की जा रही है और भविष्य में की जाती रहेगी। आगे क्या? ऐसी कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए टीएसटी न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।